स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज 12 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 16 पद के अंदर, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 16, विच सेज लाइक दिस, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने, उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, उसकी परिपूर्णता में से हमें मिला है, उसकी फुलनेस में से हमें मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो 100% गॉड, 100% ह्यूमन। हालेलुया। उसने पूरी तरह से हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, और उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर से प्राप्त किया है, ग्रेस अपॉन ग्रेस। हालेलुया। ग्रेस अपॉन ग्रेस वी रिसीव इन द फुलनेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तीन प्रकार का अनुग्रह होता है, अनुग्रह जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। अनुग्रह केवल वही अनुग्रह नहीं है कि हम उसके लायक नहीं और प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह तीन प्रकार का अनुग्रह होता है, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बड़ा हुआ। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। क्या वो लायक नहीं था? वो लायक था पूरी तरह से, वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। उसने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की। उसका जन्म पवित्र था, वो कुवारी से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, उसका जीवन पवित्र था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर, वो अनुग्रह नहीं था जिसके वो लायक नहीं था और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। वो अनुग्रह जो था वो एक परमेश्वर की सामर्थ थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो हम सीखेंगे इस बात को कि अनुग्रह तीन प्रकार का होता है। पहला अनुग्रह होता है बचाने वाला अनुग्रह। कौन सा? बचाने वाला अनुग्रह, यानी परमेश्वर की दया और उसकी करुणा। उसके अनुग्रह से हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम अपने आप कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी काम करने के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, हमने विश्वास किया है और हमने उस उद्धार को पाया है। हम अच्छे कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा हमने उद्धार को नहीं पाया, भले काम करने के लिए हमने उद्धार को पाया है। हालेलुया। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स बट वी आर सेव्ड टू डू गुड वर्क्स। हम अच्छे कामों को करने के द्वारा नहीं बचाए गए, हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। विश्वास जो हमने किया है उसके द्वारा हम बचाए गए हैं। लेकिन अब जब हम बचाए गए हैं तो अब परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे कामों को करें। हालेलुया। और दूसरा अनुग्रह है योग्य बनाने वाला अनुग्रह, योग्य बनाने वाला अनुग्रह। पहला बचाने वाला, दूसरा योग्य बनाने वाला अनुग्रह। यानी परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि हम वचन पर चल सकें। परमेश्वर हमें योग्य बनाता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें शक्ति देता है। हालेलुया। ताकि हम आत्मा में उन्नति कर सकें, परमेश्वर हमें बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह केवल ग्रेस नहीं है, अनुग्रह पावर भी है। पावर, 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 पावर। ग्रेस का मतलब होता है पावर। हालेलुया। ग्रेस ऑफ गॉड मीन्स द पावर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा बचाए गए हैं, हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हम योग्य बनते हैं। हालेलुया। और तीसरा अनुग्रह है सेवा का अनुग्रह। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। हमारी जो बुलाहट है, परमेश्वर ने जो हमें एक बुलाहट के तहत बुलाया है, चाहे वो प्रेरित की हो, भविष्यद्वक्ता की हो, सुसमाचार प्रचारक की हो, चरवाहे की हो, उपदेशक की हो, प्रबंध करने वाले की हो, प्रार्थना योद्धा की हो, उदारता से देने वाले की हो, मदद करने वाले की हो, आराधक की हो, कोई भी जो बुलाहट परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। कोई भी काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है,
योजना जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई है, वो उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि भी देता है, प्रभु हमें बल भी देता है, प्रभु हमें शक्ति भी देता है, हालेलुया, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में अनुग्रह पर अनुग्रह, सामर्थ्य पर सामर्थ्य प्राप्त करते जाते हैं और नए नए गीतों को लिखते जाते हैं और नए नए प्रकाशनों को सुनाते जाते हैं और नए नए आत्माओं को प्रभु के लिए जीतते जाते हैं। वो अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे ऊपर होता रहता है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे ऊपर होता रहता है। प्रभु हमें उठाता रहता है, प्रभु हमें चलाता रहता है, प्रभु हमें बढ़ाता रहता है, और पावर और सामर्थ प्रभु हमें देता रहता है। हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु हमें और देता है, प्रभु हमें और बुद्धि देता है, और बल देता है, और शक्ति देता है, और सामर्थ्य देता है, हालेलुया। फिर हम जब उस सामर्थ्य को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रभु हमें और सामर्थ्य देता है, और दुगना तिगना चौगुना प्रभु हमें बढ़ाता जाता है, हालेलुया, कई गुना परमेश्वर हमें बढ़ाता जाता है। मेरे प्रियो, हमें क्या करने की जरूरत है? यदि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है, उसकी सामर्थ को और प्राप्त करना है, ताकि हम वचन पर चल सकें, ताकि हम उस बुलाहट को पूरा कर सके जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए रखी है, यदि हम उस अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर से वो सामर्थ पर सामर्थ पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? वचन हमें बताता है, जब हम दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसके 18 पद को पढ़ते हैं, अनुग्रह में बढ़ना है, हालेलुया। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18 पद और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 पद, हम उस अनुग्रह में कैसे बढ़ेंगे? हम उस अनुग्रह में तब बढ़ेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में जितना ज्यादा हम बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमको बनना है। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, केवल यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, जिसके जीवन से हमें कभी कोई ठोकर नहीं लगेगी, जिसका जीवन एक सिद्ध एक पवित्र जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है जो हमारे लिए आदर्श है। केवल प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर ही हमको चलना है, हालेलुया। बाइबल में दिए गए किसी उदाहरण के ऊपर नहीं, किसी पास्टर के जीवन को देखकर नहीं, बल्कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमको बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमको बनते जाना है, हमें वो करना है। हमें हर बार ये सोचना है, अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता क्या ये सुनता, अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता क्या ये देखता, अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता तो क्या ये बोलता, अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता तो क्या वो ये करता, अगर मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होता तो क्या करता। हमें वो ही करना है, हालेलुया, क्योंकि अब हम जीवित नहीं है, मसीह हम में जीवित है, हालेलुया। हमने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब हमने अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंप दिया है, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, अब पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, हालेलुया। हमें मसीह को महिमा देनी है। प्रभु यीशु मसीह यदि करेगा तो मैं करूंगा, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह होता तो, अगर वो करता तो मैं करूंगा। हर समय इस बात को आपको सोचना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, हमें क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन बिताया, हमें पवित्र जीवन बिताना है, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। हमें नम्र और मन में दीन बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, कहा पूरा हुआ, हमें अपनी बुलाहट को पूरा करने की जरूरत है, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष है। तो अनुग्रह केवल बचाने वाला नहीं, योग्य बनाने वाला और सेवा का अनुग्रह होता है, सामर्थ होती है परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमको देता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो यह हमने सीखा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आज इस डेली डिवोशन में इस प्रश्न का उत्तर आप दें। प्रश्न है कि कितने प्रकार का अनुग्रह होता है और कौन कौन सा अनुग्रह होता है। आप जरूर बताएं, थोड़ा एक एक लाइन में आप बताएं कितने प्रकार का अनुग्रह है और कौन कौन सा अनुग्रह है। जरूर YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। सुपर ब्लेसिड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।